We are not bothered. We are thinking what उसके owner से आया, जो भी पैसा है, जो भी property आया, उसका giver कौन है? Owner. So what is the entry? Premises to? अच्छी सर. राज का नाम क्यों नहीं आया समझा? Why not Raj name? उसको सब पैसा तो दे दिया. Is he our creditor? Settle हो गया ना पूरा. Owner दे दिया पैसा. Owner is the giver. Raj is not the giver. It's not a credit transaction. You understood now? So office premises to capital 25,000. Office premises to capital. We नहीं समझा इसका. हेलो नेक्स्ट वाला ड्राइवर हो गया हेलो वेट गुड सिट हो गया तो वेट दैट्स ऑल्सो इजी कम ऑन यूज योर ब्रेन ऑन द सेम लाइन दिमाग लगा अमाउंट है ना 50 lakh और 60 lakh उनको नहीं समझा आशी नेक्स्ट वन 50 lakh एंड 60 lakh ना नेक्स्ट अमाउंट जीरोस का ध्यान रखना 50 lakh 60 lakh 40 lakh एंड 3 lakh जीरोस का ध्यान रखो 50, 40, 60 एंड 3 lakh बिजनेस से रिलेट क्या हो रहा है वो पढ़ो ध्यान पेपर उधर लेके क्या कर रहे पढ़ो अभी वापस देखो क्या हो रहा है ऑन द सेम लाइन सी इफ यू आर एबल टू कनेक्ट वेल एंड गुड सोल्ड पर्सनल प्रॉपर्टी वर्थ 50 lakhs फॉर 60 lakhs आर वी बॉदर्ड 40 lakhs एंड लिसन नाउ 60 lakh रुपया उसको जो मिला उसमें से ही बॉट ऑफिस प्रॉपर्टी ऑफ 40 lakhs ये आया बिजनेस में क्या अकाउंट यूज करना है ऑफिस प्रॉपर्टी ओके प्रॉपर्टी अकाउंट या ऑफिस प्रॉपर्टी अकाउंट बोथ आर फाइन एंड अ कार फॉर ऑफिस यूज 3 lakhs सो कार अकाउंट डेबिट ये भी ऑफिस में आ रहा है एसेट इज कमिंग इन या फिर व्हीकल अकाउंट सो प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट हाउ मच 40 lakhs व्हीकल अकाउंट डेबिट हाउ मच 3 lakhs टू अच्छा एंड अ बैलेंस वॉज केप्ट एज फिक्स्ड डिपॉजिट ऑन पर्सनल वो आ रहा है क्या बिजनेस में पर्सनल मतलब बेसिकली बिजनेस में से एक भी रुपया गया हु इज द गिवर सो व्हाट इज द एंट्री प्रॉपर्टी डेबिट कार डेबिट टू कैपिटल ये मिला प्रॉपर्टी डेबिट हाउ मच 40 lakhs कार डेबिट 3 lakhs टू कैपिटल 43 lakhs हु गॉट इट कर सर कैपिटल क्यों 43 lakhs अरे यार ओनर 43 नहीं आना कार का वैल्यू और प्रॉपर्टी का तुमको कितना मिला एफडी उसमें ले लिया एफडी बिजनेस का है कि पर्सनल है बिजनेस का होता तो बिजनेस में आता ना एफडी अच्छा प्रॉपर्टी कार एफडी टू कैपिटल लेकिन एफडी उसने पर्सनल नाम पे बस उसको 60 lakhs मिला था ना 60 में से 43 lakh वो बिजनेस में लगा बाकी 17 lakhs को बचा उसका उसने पर्सनल एफडी पर वो तो बिजनेस में आया ही सी शी आस्क्ड जस्ट नाउ व्हाट इज द एफडी केम इन द बिजनेस व्हाट इज द एफडी वाज ऑफ बिजनेस दो तीन चीज आया कार डेबिट प्रॉपर्टी डेबिट एफडी डेबिट टू कैपिटल गिवर तो ओनर ही समझा कविश को समझा हाँ पक्का सर मैंने वो पर्सनल पढ़ा नहीं था हाँ पढ़ो फिफ्थ सम ले लो कम ऑन एक सम नंबर 5 खुद से करो पूरा
नो नरेशंस 15 मिनट्स टाइम योर सेल्फ सर आईडी का सर पैसा स्टार्ट पेपर में सिली मिस्टेक किया है अरे सर ये किलर सेम है पीछे अच्छा विशाल के बुक में विशाल का नाम आता है पब्लिक ने लिखा है विशाल टू परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न पब्लिक ने लिखा मेरे मिलेगा पेपर संडे सर कभी मिलेगी संडे पे संडे हॉलीडे सर संडे हॉलीडे सर संडे हॉलीडे फटाफट उधर का डेट है स्टार्ट होने का हो गया ना कॉलेज स्टार्ट किया क्या किया सीधा जर्नल सर 40 मिनट के लेक्चर में डेफिनेशन भी हो गया रियल पर्सन नॉमिनल भी हो गया एक्सपेंस इनकम सब हो गया अरे हम लोग में तो डायरेक्ट वो सीडी सब हो गया हम लोग कॉलेज ही चालू नहीं हुआ चलो सॉल्व करो सब आएगा उनको क्या है वो डायरेक्ट एबीसीडी कराएगा एक टीचर स्लो कराती है दूसरी वाली आगे पहुंच जाती है बातचीत टीचर पाल के रखे कोई नहीं कहा आवड़ती नहीं मानो एक सेकंड ज्यादा तो एक फैंस के लिए फिटिंग 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 फैंस के लिए फिटिंग सर चेक वेदर इट इज ऑन कैश क्रेडिट ऐसा है पढ़ो तो यू गेट दिस सम करेक्ट फुली ट्रू सेम अच्छे ऊपर ये पता है सितंबर अगस्त के बाद सितंबर आता है पता नहीं सब फेल होने वाले
हम लोग 20 सेकंड तक प्लीज डोंट डिस्कस 10 मिनट्स लेफ्ट क्विक स्टार्ट विद डिस्कशन 10 मिनट्स लेफ्ट क्विक स्टार्ट क्विक फास्ट Any expense on petrol or gasoline? Asset को खरीदते वक्त जो expense हो रहा है add up करो. What's up? हाँ. डोंट डिस्कस एग्जाम में कोई आने वाला नहीं है डिस्कस करो खुद से करो सिट क्वाइटली फेस वैल्यू का एक इन्फॉर्मेशन दिया था याद है बीच में आया था फेस वैल्यू क्या करने का इग्नोर फेस वैल्यू इज जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन डिविडेंड देने के लिए काम आता है बाकी इग्नोर जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस है परचेज प्राइस है कॉस्ट कितने पे खरीदा फेस वैल्यू इग्नोर I'm going to go to the next one.
फाइनल बोलने आ रहा है तो क्या थी कैश फ्लो 460 4000 रुपए सेल जाते कैश अकाउंट डेबिट लगे थे 4446 अरे बोलते थे क्या बोलो बराबर करो मारी मरी मैंने क्या मैं कोई की करी नहीं मैं सर बोला भी नहीं है मैं बहुत आगे हूँ तुम लोग अभी बस आवाज करो यू विल बी आउट स्ट्रेट अवे आई डोंट वांट यू टू अदर डिस्टर्ब अदर सिंपल हम नहीं करने का है मस्ती करने है बाहर गार्डन में जाके बैठ जाओ डोंट बिहेव लाइक इडियट्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट जैसे फर्नीचर है वैसे ₹400
कैश रजिस्टर, कैश रजिस्टर नहीं है वो, तो क्या कंप्यूटर, वो समझ में आ गया ना 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 अरे सब जो सब कर सही कैश भी होता है अरे आठ बोल सुना फिटिंग सर कौन सा नंबर है या वही कर रहे हैं एक सम फर्स्ट वन जो एंट्री आपने मत कर आपने क्या एमबी अरे भाई वेरी फर्स्ट एंट्री परचेज मशीन प्लीज पे अटेंशन आई एम डिस्कस सर ट्वेल्थ भी है पीछे क्वाइट नाउ पीछे ट्वेल्थ भी है ऊपर है See now, very first one. Purchase machines of 48,000 for check from HMT, paid 2,000 as installation charges. Whenever you buy any asset, any expense, inquiry is what? Added to the cost. So machine kitne ka ho gaya abhi? 50 ka. Wo samjha? 48 kaisa bhegi hai? Check se. Dikh raha hai HMT, naam diya hai lekin for check aa gaya. Is it on cash or credit? Cash. So two bank, 48. What about installation charges? How are you paying installation charges? Cash. So two cash. It was partly check, partly cash. Nothing on credit. You got it? First one is clear. Second one, dekho kya diya. Purchase computer of 18,000 from Wipro, full stop. Paid 500 as fitting charges. So how is the computer purchase? Cash or credit? Credit. Wipro ka naam hai aur cash ke baare mein kuch nahi hai. Mila? And how are the fitting charges paid? Cash. But whenever expenses are incurred on purchase of asset, added to the cost. Pehle discuss kar raha hu, wo dekho, samjho, phir copy karo. Don't just blindly copy. Everything will go for a toss. Computer account debit will be how much? 18,500. Total asset. To Wipro, credit part, 18,000. To cash? 500. Got it? This was partly check, partly cash. This was partly on credit and partly on cash. Okay, ek entry aisa aayega exam mein. Purchase two fans of Khaitan from Khaitan for cash 1,000. Do fans mila ke 1,000 is it 1,000 each? No. Matlab ek fan kitne ka hai to 500 rupees. Fitting charges rupees 25 paid on each fan.
तो एक फैन की टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 525. वन ऑफ द फैन वॉज फॉर पर्सनल यूज, मीन्स इट इज ड्रॉइंग. एक घर पे गया, एक ऑफिस में आया. घर वाला क्या है? ड्रॉइंग्स. ऑफिस वाले को कौन सा अकाउंट यूज करना है? फिटिंग. हाउ आर यू मेकिंग द पेमेंट? पूरा पूरा कैश है. कुछ भी क्रेडिट है क्या? चैतन का नाम दिया लेकिन फॉर कैश आ गया, वो तो फुल कैश है फैन. और जो एक्सपेंस हुआ वो भी कैश है. समझ रहे हैं? तो टोटल अमाउंट इज पेड इन कैश, नथिंग ऑन क्रेडिट. सो फिटिंग्स, ड्रॉइंग्स टू कैश. इज दिस क्लियर? तीनों चीज समझा? तीनों अलग अलग एग्जाम्पल है. ये चेक कैश था, ये क्रेडिट और कैश था, ये पूरा कैश था. कॉस्ट का कंसेप्ट इज सेम. एसेट खरीदने पे जो एक्सपेंस होता है एड अप टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. ओके, नेक्स्ट. परचेज अ लैंड ऑफ 5 lakhs अगेंस्ट लोन टेकन फ्रॉम IDBI, पेड लीगल चार्जेस ऑफ 5,000 एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ 10,000 बाय चेक. अब वो लीगल चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस किसका है? एसेट. एसेट का है ना, खरीदने पे हो रहा है तो क्या करने का? एड अप टू द कॉस्ट. व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ लैंड नाउ? 5,15,000. लैंड अकाउंट डेबिट 5,15,000. गॉट इट? हाउ आर यू मेकिंग द पेमेंट? 5 lakh के लिए क्या किया तुमने? लोन लिया. तो हु इज द गिवर? IDBI. सो टू IDBI लोन अकाउंट हाउ मच? 5 lakhs एंड बाकी का 15 रजिस्ट्रेशन और वो कैसा पे किया? चेक से दिया हुआ है. सो टू बैक मिला. ये समझा कैसे हुआ? एक सम हमने किया था IDBI लोन वाला है, वो 7 lakh का प्रॉपर्टी दो दिन पहले. प्रैक्टिस प्रॉब्लम का 13th sum 12th sum, इट वॉज सिमिलर वन. लैंड अकाउंट डेबिट टू IDBI, 5,15,000 का प्रॉपर्टी लिया, उसमें से 5 lakh लोन है तो क्रेडिट द गिवर लोन, एंड बाकी का 15,000 बैंक से दिया, क्रेडिट द गिवर बैंक. समझा यहां तक? एनी डाउट टिल दिस पार्ट? नेक्स्ट, ये चारों एसेट के एग्जाम्पल थे. एसेट खरीदा, उस पर जो कॉस्ट हुआ एडअप टू द कॉस्ट. एक्सचेंज ओल्ड मोटर कार ऑफ 10,000 फॉर कैश 2,000 टाइप राइटर 7. आया क्या? कैश है, टाइप राइटर. गया क्या? मोटर का. अच्छा, आया 9, गया 10, मतलब इट्स अ लॉस. और एसेट है तो लॉस रिकॉर्ड करना है. तो कैश डेबिट, टाइप राइटर डेबिट, लॉस ऑन मोटर कार डेबिट टू मोटर कार. क्लियर? कुछ नहीं समझा? इधर नहीं समझ रहे प्लीज आस्क, टॉप मी एंड आस्क. एनी डाउट यू हैव टिल दिस पार्ट? लास्ट बेंचेस. अनंत पूछ लो, भागो मत खाली करके. सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑफ 6,000 फॉर कैश 3 एंड गुड्स 3, इज देर एनी प्रॉफिट लॉस? कैश और गुड्स आया और फर्नीचर गया, सो नो प्रॉफिट नो लॉस. कैश गुड्स टू फर्नीचर, सिंपल. 3, 3 and 6. नेक्स्ट 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, परचेज 100 shares ऑफ रिलायंस एट 50 each, पे 2% ब्रोकरेज. तो 100 into 50 कितना होता है? 5,000. एंड शेयर्स खरीदने पे ब्रोकरेज हुआ है तो क्या करने का? प्लस करने का कि माइनस करने का? परचेज के वक्त एनी ब्रोकरेज यू एड, सेल के वक्त एनी ब्रोकरेज यू सब्ट्रैक्ट. नेवर शो ब्रोकरेज अकाउंट सेपरेटली इन केस ऑफ शेयर्स. शेयर्स मतलब एसेट. एसेट पे जो खर्चा हो रहा है एड अप टू द कॉस्ट. खरीदते वक्त एड अप टू द कॉस्ट, बेचते वक्त सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेल वैल्यू. सो 5,000 plus 100, 5,000. आर वी बाइंग और सेलिंग? वी आर बाइंग. व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक. ये बैंक से ही होगा, ऑल कॉलेजेस बैंक. नो टू थॉट्स. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक 5,100. अभी ये शेयर्स की कॉस्ट कितनी है? कितने में पड़ा तुम? 5,100. रिमेंबर दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ो. क्या दिया? सोल्ड 40 shares ऑफ रिलायंस एट 70 ईच, पेड 2% ब्रोकरेज. 40 shares वही रिलायंस के बेचे, कितने खरीदे थे? 100, और बेचे कितने? 40. वेट, दिस इज रॉन्ग. सी नाउ, लिसन वन सेकेंड. हाउ मेनी शेयर्स आर वी सेलिंग? आई टू 50 का बोल, दैट्स राइट. 40 का वन सेकेंड. हाउ मेनी शेयर्स आर वी सेलिंग? 40 shares. तो लुक एट द बोर्ड. 40 into 70, 70 rupees में बेचा. प्राइस इज वॉट? 2,800. ये मिला 40 into 70. ब्रोकरेज भी दिया, क्या करना? माइनस 2%, 56 गॉट 2744. ओके, नाउ 2744 इज द सेल वैल्यू. ये सेल वैल्यू मतलब बेचने की प्राइस है. ओके, अब जब भी हम एसेट बेचते हैं तो वन थिंग यू नीड टू कैलकुलेट, दैट इज प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और लॉस चेक करना पड़ेगा क्योंकि एसेट है.
तो चेक करो रिलायंस का शेयर का कॉस्ट पता है तुम्हें कितने का था? 50. कितने का था? 5000. 50 रुपीज का था प्लस ब्रोकरेज, तो टोटल कितने का था? 5100 के कितने शेयर थे? 100 शेयर थे. तो एक शेयर की कॉस्ट कितनी हुई? 51 रुपीज. वन शेयर का कॉस्ट इज 51. अच्छा हाउ मेनी शेयर आर सोल्ड? 40. तो कॉस्ट भी कितने का लेना चाहिए? 40 का. तो ही कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस मिलेगा ना. 40 बेचा है तो कॉस्ट भी कितने का लेना पड़ेगा? 40 का. तो 51 × 40 2040. दिस इज व्हाट? 2040. 40 शेयर्स का कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज 5100. वो लेकिन कितना शेयर्स का है? 100 का. तो कैन आई राइट हियर 5100? नो, बिकॉज आई हैव सोल्ड ओनली 40. तो कॉस्ट भी 40, सेल वैल्यू भी 40 का है, कॉस्ट भी 40 का. तो ही प्रॉफिट मिलेगा ना या लॉस मिलेगा जो भी, समझ रहे हैं? तो 40 शेयर्स की कॉस्ट इज 2040. तो वो ही लिखनी है यहाँ पे. एसेट जब जाता है तब भी कितने कार गया वही लिखना है. कॉस्ट का आया तो भी कॉस्ट, गया तो भी कॉस्ट. 704. तो गया 2040 का और गया कितने में? 2744. तो यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? तो क्रेडिट दैट इनकम टू प्रॉफिट ऑन शेयर्स अकाउंट. 704. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वाला भी सिमिलर है. उसमें अभी बैलेंस 60 शेयर्स तुमने सेल किया. क्या प्राइस पे सेल किया करो? 1800 × 30. कैन यू सी दैट? 30 ऊपर वाला 70 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हुआ. अभी नीचे वाला 30 में बेच रहे हो तो क्या होगा? लॉस ही होगा. 50 में खरीदा था तुमने अप्रोक्स, विद ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा था. सो कितने में बेचा है? तो यहाँ पे 16 × 30 = 1800. वापस ब्रोकरेज हुआ तो क्या करना? माइनस सेल के वक्त माइनस मिला 1800 − 2% 36. तो कितने में बेचा? विल यू हैव दिस ब्रोकरेज अकाउंट सेपरेटली? बोल बाय एसेट्स. बेचते वक्त कॉस्ट है तो सब्ट्रैक्ट, परचेज के वक्त है तो ऐड. बेचते वक्त ब्रोकरेज है तो सब्ट्रैक्ट, परचेज के वक्त ब्रोकरेज है तो ऐड. तो हाथ में कितना पैसा मिला तुम्हें? 1764. अभी देखना है कितने का था, कितने शेयर्स बेचे. 60 शेयर हमने देखा है यहाँ पे. 51 रुपीज वॉज द कॉस्ट पर शेयर. तो 60 शेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी? 51 × 60 = 3060. ये दोनों को ऐड करोगे ना तो 5100 मिलेगा. 5100 वॉज टोटल कॉस्ट ऑफ, सर डोंट टॉक. 5100 वॉज द कॉस्ट ऑफ टोटल शेयर्स, 100 शेयर्स. तो 40 की कॉस्ट वाइज 2040 ऊपर की. अभी 60 की कॉस्ट इज 3060. वो इधर लिख दो, टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 3060. मतलब क्या? इतने का था और इतने में बेचा. पैसा आया 1764, लेकिन शेयर्स कितने के थे? 3060 के. तो गेन हुआ कि लॉस? लॉस. गया ज्यादा, आया कम? तो इट्स अ लॉस. ऑफ हाउ मच? 1196 का लॉस. लॉस है तो ऑटोमेटिकली डेबिट होगा. 1306 नहीं है, 1306 कैलकुलेट जो भी है. 1306